हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे द टेलर मेंशन से जुड़ने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो अपना कटिंग है ये पैंट का है। पैंट का जो कपड़ा है इसको उल्टा करके ऐसे डबल फोल्ड करें। देखिए दोस्तों, इसका जो मेजरमेंट है 40 इसकी लेंथ है, 39 इसकी कमर है और 42 इसकी हिप है, 26 जांग है और 13 मोरी। इस मेजरमेंट की कटिंग करेंगे। जुड़े रहिए आपके अपने YouTube चैनल पे। तो कपड़ा इस तरह दोस्तों फोल्ड करें, डबल करके उल्टा करके इसको ऐसे फोल्ड करें और इस तरह कपड़ा रखें। और सबसे पहले अपने को यहाँ से कपड़ा सीधा करना है, मार्किंग करके कपड़ा बिल्कुल सीधा करें इस प्रकार से। फिर दोस्तों लंबाई का जो मार्किंग करेंगे अब यहाँ से, तो 40 इसकी लंबाई है, 1.25 इंच का अपना बेल्ट आएगा, तो उसके लिए अपने को 1 इंच इसमें से कम करना है ऊपर से। तो इसके 39 का मार्किंग करेंगे, 39 का मार्किंग करें यहाँ पे और 2.5 इंच अपना नीचे मोरी का मार्जिन तुरपाई के लिए इस प्रकार से मार्किंग करें। फिर दोस्तों इसका जो आसन का मार्किंग करेंगे लटक का, तो हिप है इसकी 42, इसके लिए अपने को 4 से डिवाइड करेंगे 42 को, तो इसका 1/4 होगा 10.5। तो इसके ऊपर अपने को दोस्तों 10.5 पे मार्किंग करनी है इस प्रकार से मार्किंग करें इसकी। फिर इस मार्किंग को अपने को सीधा करना इस तरह, इस प्रकार से इसकी मार्किंग करें। फिर दोस्तों अपने को यहाँ से जो जांग का मार्किंग करना है, जांग है 26, तो इसका आधा करेंगे यहाँ से तो 13 आएगा, तो यहाँ से 13 के ऊपर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से, 1.5 इंच इसके अंदर की साइड मार्किंग करना है। फिर अपने को यहाँ से ये जो कपड़ा अपना है इसके अंदर का, इसका मेजरमेंट करेंगे, 11.5 में 1 सूत कम है ये, तो यहाँ से अपने को 11.5 में 1 सूत कम यहाँ पे मार्किंग करना है इस प्रकार से। कमर का ऊपर का मार्किंग करें इस तरह। फिर दोस्तों इस मार्किंग को, इस मार्किंग से दोनों को टच करना है इनको इस प्रकार से, इनको बराबर करें इस तरह। यहाँ से अपने को चैन का मार्किंग करना है 2.5 इंच पे इस प्रकार से, और यहाँ पे अपने को लगानी है थोड़ी गोलाई इस तरह। यहाँ से अपने को सामना डाउन देना है ये 1.25 इंच का यहाँ पे इस प्रकार से, इसके अंदर मार्किंग करेंगे सामना डाउन की। तो इस प्रकार से शेर फट्टी लीजिए और इस तरह इसका मार्किंग पूरा करें। फिर दोस्तों कमर है 39, तो इसका 1/4 करेंगे 9.5 और 1 पॉइंट आएगा, तो यहाँ से अपने को इसका 4 से डिवाइड करके 1/4 करेंगे इसका, 9.5 और 1 पॉइंट पे मार्किंग करें। और यहाँ से अपने को 1/4 इंच अपना सिलाई का मार्जिन के लिए रखना है इस प्रकार से। कमर का मेजरमेंट करें, यहाँ से अपना पॉकेट का मार्किंग करेंगे 2.25 पे इस प्रकार, और यहाँ से अपने को 7.5 इंची पॉकेट का लेंथ रखना है, इसका मार्किंग करेंगे। फिर अपने को दोस्तों इसको इस तरह क्रॉस करना है, पॉकेट का मार्किंग है, इसको इस तरह क्रॉस करें। यहाँ से अपना जो मोरी का मेजरमेंट करना है वो करना है दोस्तों, यहाँ से मेजरमेंट करें इसका। जांग का जो 13 आ रहा है, 26 था इसका आधा 13, तो यहाँ से भी अपने को 13 के ऊपर मार्किंग करनी है इस प्रकार से। इसका आधा करेंगे तो यहाँ से 6.5, ये अपना आ रहा है 6.25 और 1 पॉइंट आ रहा है इधर। तो अपने को मोरी के लिए मार्किंग करनी है 20 सेंटर का, जो अपने मार्किंग किया है इसका आधा इधर करेंगे, आधा इधर करेंगे मोरी का। तो मोरी है दोस्तों 13, 13 का आधा हो गया 6.5 और 6.5 का आधा हो गया 3.25,
तो यहाँ से अपने को मार्किंग करना है 3.25 पे इधर, और 3.25 पे मार्किंग अपने को इधर करना है। फिर दोस्तों ये जो अपना आ रहा है ये 6.5 आ रहा है यहाँ से 20 सेंटर से, तो यहाँ भी अपने को 6.5 पे मार्किंग करना है, 20 सेंटर करना है पेंट का। इस प्रकार से मार्किंग करें। फिर दोस्तों इस मार्किंग को सीधा करना अपने को। इस प्रकार से अपना मार्किंग। अब इसके अंदर दोस्तों सेफ राउंड जो लगाना है अपने को, अगर फुल फिटिंग पेंट हो तो इसके अंदर सेफ यहाँ से फुल लेना पड़ेगा, और इसके अंदर दोस्तों अगर थोड़ी मीडियम पेंट है, लूज है, तो इसके थोड़ा ऊपर निकालते हुए भी सेफ पट्टी को इस प्रकार से, और ऐसे इसके अंदर सेफ लगाए। बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से थोड़ा इसको क्रॉस करना नीचे से, फिर इधर की साइड भी इसी प्रकार से अपने को सेफ लगाना है। ज़्यादा मार्किंग नहीं कर रहा मैं आपको, बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, शॉर्ट तरीका। और इसको यहाँ से थोड़ा क्रॉस करें इस प्रकार से, और यहाँ से दोस्तों ये थोड़ा कॉर्नर आ रहा है तो इसके अंदर अपने को यहाँ से इस तरह सेफ राउंड लगाना है, ताकि यहाँ से अपनी पेंट का कॉर्नर बिल्कुल सही आए इस प्रकार से। ये अपना पेंट का कटिंग। इस प्रकार से दोस्तों सामना मार्किंग। तो चलिए दोस्तों इसकी कटिंग करते हैं। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ, ज़्यादा मार्किंग नहीं कर रहा। इस प्रकार अपना सामना कटिंग करें, और इसके ऊपर दोस्तों जो कट करना है यहाँ पे कुटका लगाना है नीचे मोरी में, और यहाँ पे कट करें, और अपना जो पॉकेट का यहाँ कट है इसको इस तरह यहाँ पे, और अपना चैन का कुटका लगाएं इस प्रकार से। अब अपने को इसके अंदर बैक कटिंग करना है। इस प्रकार अपना कपड़ा रखें और अपना सामना इसके ऊपर रखें इस तरह। इस प्रकार से फिर दोस्तों यहाँ से अपने को मार्किंग करना है इसके बराबर का इस तरह, और ये जो अपना मार्किंग है इसको यहाँ से पूरा करें, इधर इसका भी पूरा करें। यहाँ से अपने को मेजरमेंट करना है हिप का, तो इसकी जो हिप है वो 42 है 42, तो इसका 1/4 करेंगे यहाँ से तो 10.5। तो यहाँ पे अपने को 10.5 पे मार्किंग करेंगे, और 1 इंच इसके अंदर लूजिंग डालेंगे इस प्रकार से। ये अपना हिप का मार्किंग इस तरह। अब अपने को दोस्तों यहाँ से कमर का जो मेजरमेंट करना है, 39 अपनी कमर है, तो इसका 1/4 करेंगे 9.5 और 1 पॉइंट पे, तो इस तरह यहाँ पे इसका मार्किंग करें। और 1.25 इंच अपना सिलाई का मार्जिन, और 1 इंच अपना जो बैक में प्लेट डलेंगी उसके लिए, और 2.5 इंची दोस्तों एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा कमर का लूज टाइट के लिए, तो उसके लिए अपने को 2.5 इंची एक्स्ट्रा लेना है इसके अंदर। फिर अपने को ये जो मार्किंग है अपना हिप का, इस मार्किंग को इस तरह सीधा करें, और यहाँ से अपने को मार्किंग करना है वो करना है यहाँ से 2.25 का इस प्रकार से। और यहाँ से अपने को जो ऊपर उठाना है बैक को, तो यहाँ से अपने को लेना है 1.5 इंच का
इस तरह, और यहाँ से अपने को इसके अंदर राउंड लगाना है इस प्रकार से अपना मार्किंग बैक का। फिर अपना ये जो मार्किंग है 2.5 इंच का जो एक्स्ट्रा रखा था, इसको इस प्रकार सीधा करें। और यहाँ पे दोस्तों अपने को लगानी है गोलाई, इस प्रकार से अपनी गोलाई लगाएं। यहाँ अपना कमर का सिलाई आएगा और यहाँ भी अपने को इस तरह गोलाई लगानी है इस प्रकार से। यहाँ पे अपने को लेना है दोस्तों 2.25 इंच, और यहाँ से अपने को लेना है 1.25 से 1.5 इंच, 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच। तो यहाँ से अपने को 1.25 इंच पे मार्किंग इस तरह। फिर अपने को दोस्तों इसके अंदर सेफ राउंड जो लगाना है वो यहाँ पे इस प्रकार लगाएं, इस तरह, इस प्रकार अपना सेफ राउंड लगाएं। नीचे की साइड इसको थोड़ा क्रॉस करें इस प्रकार से। अब अपना जो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा ये मार्जिन का रहेगा, जांग के अंदर लूज टाइट अगर पेंट कभी हो तो इसके अंदर अपने को ये मार्जिन रखना है जांग का इस प्रकार से। और यहाँ से अपना जो हिप का कटिंग होएगा दोस्तों, वो सॉरी यहाँ से बैक कटिंग होएगा, तो इसके अंदर अपने को इस तरह राउंड में लेना है इस प्रकार से। इसका मार्किंग करें, ये अपना बैक का मेजरमेंट पूरा हुआ। तो चलिए दोस्तों इसकी कटिंग करते हैं। इस तरह अपना बैक कटिंग करें। बिल्कुल आसान तरीका आपको बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा मार्किंग नहीं कर रहा पेंट के अंदर, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे लगाना है दोस्तों कट इस तरह, और यहाँ पे अपना जो जांग का मार्जिन है इसके ऊपर कट लगाना इस प्रकार से। अपना पेंट का कटिंग पूरा हुआ। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, जब तक जुड़े रहिए।